श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में देव उठनी या देवोत्थान एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियमों के बारे में। साल 2023 में देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर रात्रि के 11:03 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 नवंबर रात्रि के 9:01 पर। व्रत के पारण का समय होगा 24 नवंबर प्रातःकाल 6:51 से प्रातःकाल 8:57 तक। 24 नवंबर को द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी शाम के 7:06 पर। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु को जागने का आह्वान करें। पूजा स्थल पर रंगोली बनाकर घी का दीपक जलाएं, गन्ने का मंडप तैयार कर विष्णु प्रतिमा स्थापित करें, भगवान हरि को गन्ना सिंघाड़ा लड्डू ऋतुफल अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करें। अंत में शंख व घंटा बजाकर भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, इसलिए इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा में इस्तेमाल करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए।